183 रनों का स्कोर T20 में काफी अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन एक टीम ने 10 ओवरों के मैच में ये स्कोर बना दिया। इस मैच में एक बल्लेबाज ने ऐसी पारी खेली कि देखने वाले दंग रह गए। इस बल्लेबाज ने आते ही गेंदबाजों की खबर लेनी शुरू की और 12 गेंदों पर जो किया वो देख हर कोई कांपने लगा। इस समय अबू धाबी में D10 नाम की एक लीग खेली जा रही है। 10 ओवर प्रति पारी की इस लीग में जमकर रन बरस रहे हैं। 10 ओवरों में 100-120 रन बनाना ही बड़ी बात होती है, लेकिन एक टीम ने 10 ओवरों में 183 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। ये स्कोर T20 में ही बहुत बड़ा होता है, लेकिन 10 ओवरों में इतना बड़ा स्कोर बनाना अचरज की बात है। ये स्कोर बनाया टीम अजमन ने और इसमें टीम के लिए अहम रोल निभाया उस्मान खान ने। इस बल्लेबाज ने ऐसी पारी खेली कि गेंदबाज देखते रह गए। अजमान ने स्कोर अमीरात ब्लूज के खिलाफ बनाया और 110 रनों से अपने नाम किया। उस्मान ने इस मैच में तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन ये तूफानी बल्लेबाज शतक से चूक गया। उस्मान के अलावा की टीम के सागर कल्याण ने भी इस मैच में अर्धशतक जमाया। इन दोनों की पारियों की मदद से ही ये टीम विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही। इस विशाल स्कोर के सामने अमीरात ब्लूज की टीम 9 विकेट खोकर 73 रन ही बना सकी। उस्मान सागर के साथ पारी की शुरुआत करने आए थे, उन्होंने आते ही अपना तूफान मचाना शुरू कर दिया। शुरू की 12 गेंदों पर उस्मान ने 12 बाउंड्री जड़ डाली। उन्होंने शुरुआत की 7 गेंदों पर चौके मारे, फिर उन्होंने छक्का लगाया, फिर चौका और फिर छक्का मारा। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का और मारा। 13वीं और 14वीं गेंद उन्होंने खाली निकाली और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के मार दिए। इस मैच में उस्मान ने कुल 27 गेंदों का सामना किया और 11 चौकों के अलावा 8 छक्के मारे। उनकी ये पारी देख मुल्तान सुल्तान्स की टीम काफी खुश होगी, क्योंकि वह पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन में इसी टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं सागर ने 23 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली। इस मैच में अमीरात के बल्लेबाज हालांकि कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। टीम के सिर्फ 3 बल्लेबाज ही किसी तरह दहाई के अंक में पहुंच सके। मोहम्मद शहजाद ने 22 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली। मुदीद अग्रवाल ने 12 और हर्षित सेठ ने 13 रन बनाए। अजमान के लिए उस्मान ने गेंदबाजी भी की और 3 विकेट लेने में सफल रहे। वहीं मारूफ भाबे ने भी 3 विकेट लिए। शेहराज अहमद ने 2 विकेट चटकाए।